मोदी जी उस वक्त विदेश में नहीं है तो सिंगल फेस में कर लिया। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, 288 विधानसभा क्षेत्र है और इंतजार था कब डेट करेंगे या चुनाव करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे कुछ भी कर सकते हैं, तो चुनाव की घोषणा हुई है तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें, महाराष्ट्र में ज्यादा हो रहा है, पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज होगा, तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो 20 तारीख को वोटिंग और 23 तारीख को काउंटिंग, और आज चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ईवीएम फुल प्रूफ है और आपको ईवीएम पर संदेह। ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है, हम लोकसभा में कोई इस बारे में आक्षेप नहीं लिया था, चुनाव होने दिया, लेकिन हरियाणा के बाद फिर एक बार ईवीएम के बारे में लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है। जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के बारे में सामने लाए हैं उसके ऊपर चुनाव आयोग अपना खुलासा नहीं दे पा रही है। एक सवाल सर और, जाहिर तौर पर चुकी आप लोगों का महाविकास आघाड़ी, क्या लगता है कि चुनाव में जो परफॉर्मेंस लोकसभा में आप लोग कर रहा है वो विधानसभा में रिपीट होगा? उससे ज्यादा अच्छा रहेगा महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में किसी भी हालत में सरकार बदलेगी। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार जो बनी है मोदी अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से, जनता उसको खत्म कर देगी।